हेलो दोस्तों, हूँ निश्चित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। एक दफ़ा फिर हम आपके साथ जुड़े एक हमारे और यूएस जाने वाले स्टूडेंट को लेके। मेरे साथ है जिग्नाशु पटेल। जिग्नाशु यहाँ पर बैचलर उन्होंने ख़त्म किया है, मास्टर के लिए यूएस जाने वाले हैं, लेकिन ये लड़की का हर एक डिसीजन बहुत फास्ट होता है, मतलब उसको दौड़ना पड़ता है बहुत। केयर इमिग्रेशन ने वो फाइल रखने आई तभी भी वो बहुत जानवरी इंटेक के लिए लेट थी, फिर भी केयर इमिग्रेशन ने उनको अप्लाई करके दिया यूनिवर्सिटीज़ में, कोर्सेज में। इंटरव्यू की डेट आई, इंटरव्यू का प्रिपरेशंस भी हमने करके दिया और आज उनके पास वीज़ा है। और ये जब वीडियो शूट हो रहा है उसके दो दिन के बाद ही उसका फ्लाइट है क्या यूएस जाने के लिए, तो अभी तक पासपोर्ट नहीं आया है, पासपोर्ट ऑन द वे है, लेकिन हमने सोचा उसका टाइम नहीं बिगड़े इसलिए हम उसका विदाउट पासपोर्ट ही यूएस का बना देते हैं। अगर आप भी यूएस जाना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी एडवाइस रहेगी और जिग्नाशु की भी एडवाइस रहेगी, केयर इमिग्रेशन में बहुत ही पहले आ जाइए फाइल रखने के लिए। अगर आपको पूरा यूएस स्टूडेंट वीज़ा का एकदम हैप्पीली उसका एक्सपीरियंस करना है तो ऐसा क्यों, जिग्नाशु का एडवाइस है, हमारा भी एडवाइस है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको ये सारी बात से हम माहितगार करते हैं। जिग्नाशु कैसे हो? अच्छा, मैंने जो बताया वो सही बताया? सही बताया। तो जिग्नाशु ये क्या स्टोरी है, आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसा क्यों बोला हमने। क्योंकि जब मैं फर्स्ट केयर इमिग्रेशन में आई थी, मैं आई थी सितंबर एंडिंग, अक्टूबर, ऑलमोस्ट अक्टूबर, इट वाज टू लेट फॉर मी फॉर जनवरी इनटेक। फॉर जनवरी इनटेक ओनली अक्टूबर फर्स्ट वीक में वो आई। फिर मैंने शीत सर से मिली, हिता मैम से मिली, मैंने सब बातें की, उन्होंने बताया मुझे कि इस तरह सारा प्रोसेस होगा, वीज़ा का प्रोसेस होगा और सारा प्रोसेस होगा। तो मैंने उसी दिन प्रोसेस के लिए अप्लाई किया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से हेल्प की। और आफ्टर अप्लाइंग फ्रॉम केयर आई हैव गॉटन माय ऑफर लेटर फ्रॉम टू डेज ओनली। इट वॉज सो सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने केयर को चॉइस किया मेरी फाइल प्रोसेस के लिए उस टाइम के लिए। और क्योंकि उस टाइम इतना हैक्टिक स्केड्यूल था कि मैं क्या सोचूँ, किस तरफ जाऊँ, मुझे खुद को भी नहीं मालूम था। बट मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि इट वॉज सो ग्रेट कि मैंने केयर को चॉइस किया। थैंक यू। जिग्नाशु आपने यहाँ पर पढ़ाई में अपना थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ओके, मैंने बैचलर्स कम्प्लीट किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में गणपत यूनिवर्सिटी से और मेरे फादर बिजनेस मैन है। और मैं जब केयर में आई तो मेरे फादर ने बस जस्ट निश्चित सर से मिलके ऐसा बोला था कि हम अपने सही ट्रैक पे हैं यहाँ पे। क्या बात है, आपके फादर मेरे को क्या जानते थे पहले से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए तो ये होता है एक एक्सपीरियंस पर्सन। आपको भी मैं सलाह देता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, आप कहीं पर भी पूरे भारत में से, पूरे इंडिया में से कोई भी कंसल्टेंट के यहाँ फाइल रख रहे हो, चाहे गुजरात में से रख रहे हो, आप अपने मम्मी पापा को जरूर वहाँ पर ले जाइए। उनको एक अनुभव होता है आदमियों को या अपने कंसल्टेंट को पहचानने का, तो वो आपकी जरूर सहायता करेगा, आप जरूर ले जाइए। अगर केयर में भी अगर आप फाइल रख रहे हो तो भी आप अपने मदर फादर को केयर में लाइए, और दूसरे कंसल्टेंट के यहाँ भी फाइल रख रहे हो तो वहाँ पर जरूर ले जाइए, हमारा एक एडवाइस रहेगा। आपके आईएलटीएस में कितने बैंड है? मेरा ओवरऑल 6 बैंड्स है। इच में रीडिंग 5, लिसनिंग 6, स्पीकिंग 6 एंड राइटिंग 6। अभी कौन से यूएस यूनिवर्सिटी में आपको केयर इमिग्रेशन ने फाइनली एडमिशन और वीजा करवाया? रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी शिकागो, और वो भी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, और वो भी विदाउट एनी प्रीरिक्विजिशंस, यानी उसका कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करना है, यही रिजल्ट पे वो वहाँ पर एक्सेप्टेड हो चुके। यानी ओवरऑल 6 बैंड, ईच में 5 बैंड थे, फिर भी वो मास्टर पॉसिबल है। और रिजल्ट यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, ट्यूशन फीस 1 ईयर की? ट्यूशन फीस है 19 लाख रुपीस पर ईयर। ओके, तो ये उनकी फीस है वहाँ पर, वो जनवरी 24 इनटेक में उनकी वो मास्टर की पढ़ाई स्टार्ट होगी। फिर आता है ये पूरा यहाँ पर वीज़ा का फॉर्म्स बनना, प्रिपरेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी चीज़ में केयर ने कैसी आपकी सहायता की? केयर ने मुझे बहुत अच्छी हेल्प की। इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज जब मैं आई थी तब सितंबर ऑलमोस्ट एंड था, अक्टूबर स्टार्टिंग था, आफ्टर दिवाली था, तो दिवाली के टाइम भी मुझे हिता मैम ने और यूएसए डिपार्टमेंट में केयर के यूएसए डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छे से हेल्प की कि ऐसा नहीं कि हॉलीडेज है तो वी कांट रिप्लाई यू। तो उन्होंने मुझे रात को भी मैसेज किया, मैंने जब मेरा I-20 देखा तब मुझे लगा कि नहीं, मैंने बहुत ही अच्छा किया कि मैंने केयर को चॉइस किया मेरे फाइल्स के लिए। और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी मैं 1 मंथ अराउंड में यहाँ पे आई थी और मुझे मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की। और जब आप वहाँ पर जाते हैं जिग्नाशु, हर एक बच्चे को एक टेंशन होता है ना
कि यार वहाँ पे कैसा माहौल होता है, कैसे क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ा बताइए रियल में जो वहाँ पर आपको क्या लगा। सबसे फर्स्ट तो वहाँ जैसे यूएस एम्बेसी के अंदर जाना, इट वाज लाइक बहुत हेक्टिक रहता है एक हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक को टेंशन रहता है कि क्या होगा अंदर। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं, मेरा ये मानना है कि जैसे ही एंटर होने के बाद उनका सराउंडिंग, उनका सर्वेलेंस हम पे चालू रहता है कि कौन स्टूडेंट्स किस कौन से बैकग्राउंड से और कैसा है, और सबसे ज़्यादा मैटर करता है अपना ड्रेसिंग सेंस। और जब वहाँ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा और एक चीज़ मैटर करती है तो कॉन्फिडेंस, वो कुछ भी नहीं देखते हैं, और एक कॉन्फिडेंस और अपना एक मेडिटेशन टाइप होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं हमें सुनाई देना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतने सारे लंबी 40 काउंटर्स होते हैं, तो हमें बाजू की आवाज़ का भी सुनाई देता है, कोई रिजेक्ट होता है कोई एक्सेप्ट होता है, तो वहाँ देख के डरना बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये बहुत ही अच्छा का अंदर का माहौल एक्सप्लेन कर मैंने भी बहुत एक्सप्लेन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रीड करके गई थी, मैं यहाँ पे समझ के गई थी, रेडी करके गई थी, लेकिन मुझे जस्ट दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि विच यूनिवर्सिटी, वाई दिस यूनिवर्सिटी, और फ्यूचर गोल क्या है, जस्ट उन्हें कॉन्फिडेंस से ही रिप्लाई करना है। देखिए अगर एंटायर में गिनू पूरी केयर की टीम को, आप अगर आप टीचर हो और हम स्टूडेंट्स हो, 10 में से कितने स्टार? 10 out of 10। देख ही लीजिए 10 out of 10, ये हमारे लिए इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती है दोस्तों। ऐसे ही हम ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे जिग्नाशु को, जाए अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह वहाँ पर एंजॉय करें, मास्टर का रूजवेल्ट यूनिवर्सिटी में उसका कोर्स बहुत ही अच्छे ग्रेड के साथ ख़त्म करें। ऐसे ही और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और क्लाइंट्स की जर्नी को देखने के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कीजिए, लाइक और फॉरवर्ड करना भूलिएगा मत दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।